वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल के दूसरे दिन भी जय वैली में उमड़ी भीड़। सयाहों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम। दो दिन में 15,000 लोग फेस्टिवल में हो चुके हैं शामिल। उधर वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल के दूसरे दिन भी सयाहों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला इंतजामिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट और जेके अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की माहमी कोशिशों से नए साल के मौके पर इस फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। पहाड़ और देवदार के दरख्तों से घिरा हरा भरा यह इलाका भदरवा शहर से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर वाकई है। अभी तक यह इलाका बाहर से आने वाले सयाहों की नजरों से ओझल था। ऑफ बीट यानी कि गैर मारूफ, यानी कि ऐसी जगह जहां पे लोग नहीं जानते, उन इलाकों को टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए पहली दफा इस तरह की प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक चलने वाले फेस्टिवल के दूसरे दिन सयाहों के जोरबिंग बॉल, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, म्यूजिक चेयर, टग ऑफ वॉर जैसे दिलचस्प मुकाबलों के साथ ही दीगर स्पोर्ट्स इवेंट का लुत्फ उठाया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO, ADDC, SP और तहसीलदार भी मौजूद रहे। जयवली के अलावा भदरवा में भी कई ऐसे प्रोग्राम हुए। फेस्टिवल को लेकर के सयाहों और मुकामी लोगों ने मिलकर के रिस्पॉन्स दिया और खुशी का इजहार किया। CEO बालकृष्ण ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए भदरवा के सभी अहम मुकामात को टूरिस्ट मैप पर लाने की कोशिश की जा रही है। CEO के मुताबिक दो दिनों में ही 15,000 से ज्यादा लोग फेस्टिवल में शिरकत कर चुके हैं। 29 और 30 दिसंबर को गुलदंडा के मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। CEO और SDM ने लोगों से इसमें भी बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की है। सयाहों का कहना है कि आने वाले दिनों में भदरवा भी एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। मुझे इस फेस्टिवल के बारे में यहीं पे आके पता चला, तो हम लोग आज यहाँ पे जय वैली में, जय घाटी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज होती हैं। हमने उसमें पोस्टर्स भी देखा था और मेरे ख्याल से ये फेस्टिवल यहाँ के लोकल्स के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ के ये लोगों को थोड़ा सा एक मनोरंजन का साधन देता है। और आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ सिंगर्स भी आने वाले हैं जो कि मुझे पता चला है, तो हम भी उन सिंगर्स का कार्यक्रम देखने के लिए काफी उत्साहित है। इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने यहाँ टग ऑफ वॉर भी खेली, डांस किया, खाना खाया और मस्ती की बहुत ज्यादा। अभी हम पैराशूट पे चढ़ेंगे और वहाँ पे वो कोई लाइन वगैरह कुछ लगी, जिप लाइन, उस पे चढ़ेंगे, बहुत मजा आया। वैली हमेशा बहुत खूबसूरत जगह है आने के लिए। मैं बैंगलोर से हूँ एंड हम एक फैमिली ट्रिप पे आए हुए हैं, बिकॉज बच्चों के क्रिसमस न्यू ईयर वीकेंड चल रहे थे। वी प्लान फॉर दिस प्लेस, बहुत अमेजिंग है और हमने सोचा कि जय वैली करके जो फेस्टिवल है तो व्हाई नॉट टू सी क्या होता है, बिकॉज वी आर स्टेइंग, हम बहुत दूर रह रहे हैं अपने इस पार्ट ऑफ इंडिया से, सो हमें जानने का मौका मिला कि यहाँ पे एक्चुअली कल हमारा शुरुआत हुई है। और इसी तरह आज आप पीछे देखेंगे मेरे पीछे शायद कितना अच्छा रिस्पांस है, कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। और आज यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही है, टूरिज्म एडवेंचर की एक्टिविटीज हो रही है, जॉर्निंग बॉल है, जिप लाइनिंग है, एटीवी बाइक है और बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ चल रही है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा दिन है, हमारे वाइब्रेंट भदरवा का दूसरा दिन और अच्छा रिस्पॉन्स है, आप देख ही रहे हैं जो है हजारों लोग हमारे जो फर्स्ट डे हमारा था भदरवा फोर्ट में, हजारों लोगों ने अटेंड किया। आज जय वैली में हम आप देख रहे हैं किस तरीके से म्यूजिक चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रही हैं, हमारे जो है स्नो वाले जो स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स वो चल रही है। बहुत ज्यादा लोगों में जोशो खरोश है, हजारों यहाँ व्हीकल्स आई हुई हैं, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। भदरवा के लिए टूरिज्म बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि भदरवा अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है।